वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सारिआं नूं इही बेनती करना चाहुंदी हाँ, जिवें कि राजेवाल साहब ने जां बब्बू भाई जी ने जां अमितोज मान जी ने इको गल स्टेज दे उत्ते कही है, एके दी जो साड़ी 26 तरीक तो बाद बहुत ज़्यादा साडे विच वंडा पाईआं गईआं गवर्नमेंट वल्लों जां आईटी सेल्स वल्लों सोशल मीडिया दे उत्ते। सो असी अज आ एके दी रैली कर रहे हैं कि सारे सारिआं नूं इकट्ठे हो के चलन की लोड़ है। इहदे उत्ते धार्मिक जथेबंदियां, साडियां जथेबंदियां जां कलाकार जिहड़े पहले दिन तो जुड़े हुए ने इस अंदोलन दे नाल, असी सारे इसे चीज़ नूं सपोर्ट करदे हां। किसानां नूं सारिआं नूं इस किसानी घोल दे विच मिलजुल के चलन की लोड़ है। और अज असी भगत सिंह दे शहीदी दिहाड़े दे उत्ते जे असी इकट्ठे होए हां, मैनूं लगदा भी सानूं भगत सिंह दे बारे पढ़ना चाहीदा है। भगत सिंह दी फांसी वाले दिन, भगत सिंह दा 23 तरीक नूं जिदन उन्हां नूं पहलों फांसी दे दित्ती गई सीगी, जदों उन्हां दे कोल पुलिस वाले आए सीगे ते भगत सिंह जी उस टाइम दे उत्ते लैलन दी किताब पढ़ रहे सीगे, उदों उन्हां ने कहा सीगा पुलिस वाले नूं, एक क्रांतिकारी नूं दूजे क्रांतिकारी तो तुसीं अलग कर रहे हो। सो उह वाला जिहड़ा उन्हां दा एक पेज सीगा उन्होंने फोल्ड कर दिता सीगा, वह पेपर फोल्ड करन दा मतलब यही है कि वह अगे पढ़ना चाहते सीगे। सो मेरी यही बेनती है अपने यूथ तो कि जे असी भगत सिंह की पीढ़ी नूं अगे लैके जाना चाहते हाँ, जे अज असी इकट्ठे होए हाँ भगत सिंह के शहीदी दिहाड़े ते, सानू वह लैनन की बुक पढ़नी चाहिए है। सानू जानना चाहिए है कि भगत सिंह दे विच वह क्रांतिकारी खून सीगा, वह साड़ी पीढ़ी दे विच भी आना चाहिए है। सानू सारे धर्मां तो उत्ते उठ के इस किसानी झंडे के थले किसानी लड़ाई करनी चाहिए है। बस मैं यही कहना चाहूँगी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। सत श्री अकाल वीरो, मैनू नहीं लगता तुसी बब्बू मान नूं दिलों प्यार करदे आ, जां तुसी उहदा कहना नहीं मानदे। उहनां दा कहना मन के बैठो, हजे किते नेरा हो गया ते तुसी अपने अपने घरां नूं तुर पए। मेरे वीरो, जे तुसी दिलों प्यार करदे आ तां उहदा कहना मन्नो। ते हुण मैं बेनती करां फरमान सिंह संधू, बीके यू ओ माय।